मॉर्निंग गाइस। तो आज है ईद का दिन, सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि चांद रात का ब्लॉग आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, तो आप ये आज मैं ईद का शेयर कर रही हूँ। तो छोला मैं बना रही हूँ, लेकिन छोले की रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, फिर कभी शेयर कर दूंगी। आज तो बहुत कुछ शेयर करने के लिए है ना, तो इसलिए फिर कभी शेयर कर दूंगी। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, रात को मैंने ही नहा लिया था, मतलब सुबह के टाइम ही नहा लिया था मैंने। तो आप लोग को दिखाती हूँ मेरा छोला। तो ये देखिए बन रहा है मेरा छोला, बन ही गया है। बस इसके ऊपर धनिया की पत्ती डालनी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। क्या हो गया? क्या हो गया? सिक्का दिया रहती हूँ ना, सिक्का खुद उठाया है, खुद उठाया, खाता नहीं, यही गुरूर में एक बार पेच खाई से, अभी सिक्का खाएगा कोई दिन। मैंने पहन लिया है सूट, लेकिन ये है पुराना सूट, क्योंकि नया सिला नहीं है। मैंने लिया था सूट, लेकिन नया सिला नहीं है। और अभी मैंने मेकअप भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो अभी तो जा रही हूँ बिरयानी बनाने, क्योंकि छोला तो मैंने सुबह में बना ही लिया था। और अभी बिरयानी दोपहर का टाइम है, तो सोच रहे हैं कि अब बिरयानी बना लें। और गाजी ने भी कपड़ा वपड़ा पहन लिया है, तो अब चल रही हूँ बनाने बिरयानी। तो उसके पहले, बनाने के पहले मैं एक दही बड़ा खाना चाहूँगी। और मेरा दही बड़ा, मेरी शीर खोरमा, सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं बता नहीं सकती सबने। गाइस आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिया दही बड़ा और ये एक चम्मच। बहुत ज़्यादा टेस्टी मैं दही बड़ा बनाती हूँ, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ। ओके गाइस, तो मेरी बिरयानी यहाँ पे बन चुकी है, मैंने रेसिपी नहीं शेयर किया है। और लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, उसके बाद खाने के बाद, क्योंकि मेरी नंद भी आ गई है तो उसी के साथ खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे हो गई मेरी बिरयानी, मैंने निकाल लिया है और अभी उसको आवाज़ दे रही हूँ, वो अभी आई नहीं है। तो हम लोग एक साथ बिरयानी खाएँगे, काफ़ी दिन के बाद खा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी टेस्टी लग रही है ना मेरी बिरयानी। कहाँ नमक का मैं बेहतरीन है, ये पंखा चला भैया, ये वाला पेप हर टाइम रोया करती है, ये डराता, ले लो। गाजी आओ, इधर बैठो ना, इधर लगा लो। दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है। बहुत अच्छी बनी है, पक्का ना? बहुत टेस्टी है, मसाला लेस बिरयानी। बहुत दिनों बाद नॉनवेज खाया है, मजा आ रही है। लेकिन अभी दोपहर में वो खाया ना, बदन की उलझन सी हो रही है। बहुत दिनों बाद खाया तो अजीब सा टेस्ट आ रहा है। जा रही हूँ मेकअप करने, क्योंकि पुप्पी बहुत देर से बुला रहे हैं। तो चलिए आप लोग के साथ मेकअप करती हूँ। ओके गाइस, तो फटाफट से मैं अपना मेकअप कर लूँ, तो बेसिक सा ही मेकअप रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी निविया क्रीम लगा लिया है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करती है इस वजह से। तो बहुत ही कुछ, क्योंकि फूफी जान बहुत देर से बुला रही हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। प्राइमर मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, और गर्मियाँ हैं तो प्राइमर तो थोड़ा ज़रूरी हो ही होगा, थोड़ा क्या, बहुत ज़रूरी होता है प्राइमर। इनका ये सुपर स्टे फाउंडेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज का फाउंडेशन होता है, लेकिन डे टाइम है इस वजह से मैं इसे बहुत ही लाइट सा लगाना पसंद करूँगी, क्योंकि अभी तो दिन ही है। फाउंडेशन
फाउंडेशन के बाद आपको कॉम्पैक्ट की बहुत कम नीड पड़ेगी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, लेकिन मैं फिर भी लगा ले रही हूँ क्योंकि भूपी जान के यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट भी लगा रही हूँ। तो ब्राउनिंग मैं जल्दी से कर लूँ, क्रीम कॉन्टोर नहीं करूँगी, ब्राउनिंग करूँगी बस ब्राउनिंग। ओके नाउ आई एम यूजिंग अ मस्कारा, तो मैं आईज अपनी न्यूडी रखूँगी तो सिर्फ मस्कारा अप्लाई करूँगी। छोटी सी इयर रिंग है तो पहले इसको ट्राई करती हूँ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ फूफी के यहाँ, चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ। सारी लाइट बंद कर दो, इसके बाद चलती हूँ। गाइस मैं अपनी फूफी के यहाँ आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इनके यहाँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी फूफी जान बनाई है, पता नहीं क्या क्या बनाई है, तो मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने जो है बिरयानी खाया है तो मेरा इतना पेट भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी, मतलब बताशा मतलब पानी पूरी मिल रही है तो बेचारे घर में बेच रहे हैं तो वो खाऊंगी। तो अभी वो मेरा जो फूफू का लड़का है वो गया लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं पानी पूरी खाने के लिए, तो खाती हूँ आप लोग के साथ। अभी बाद में पुलाव खाएंगे, पहले ये देखो। हाँ तुम लोग भी आओ ना, हम अकेले थोड़ी ना खाएंगे। आओ शापू आओ के लिए, ये सेवई और पानी पूरी है और फूफू ने बिरयानी भी बनाई है, तो बिरयानी बाद में खाऊंगी क्योंकि अभी मैं बिरयानी खा के आई थी ना, तो अभी ये बताशा मैं खा रही हूँ। हाय गाइस देखो मैंने मोबाइल गिरा ना देना, पानी पता तीखा नहीं है। ले ना, अरे मैं खा दूंगी। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं खा रहा है, पानी है, पानी नहीं अच्छा है। दही रखी हूँ, दही दही पानी पूरी खा लिया है और अभी मैं खा रही हूँ सेवई, तो बहुत ज़्यादा सेवई नहीं खाऊंगी, थोड़ी खाऊंगी क्योंकि पप्पू कह रही है बिरयानी भी खा लो थोड़ी सी। मेरी पप्पी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बनाती थी जब शादी नहीं हुई थी तब, अब नहीं बनाती है, लेकिन सेवई अच्छी बन गई है मजाक कर रहे, बहुत अच्छी बनी है। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, खाली थोड़ी सी स्पाइसी कम है लेकिन अच्छी बनी है। ये थोड़ा मिर्चा कम खाती हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन टेस्टी बहुत है। नहीं
कोल्ड्रिंक नहीं रखी हो आज? क्या मच्छरों नहीं जाएगा जब रखे हैं तो आप आती नहीं? हाँ बड़ी बड़ी चलती रहती है, खाए पी को तो बहुत बेकार ही थी, अपनी इधर अच्छी नहीं हुई। पहले हम लोग बहुत घूमने जाते थे लेकिन अब जो है कहीं नहीं जा पाएंगे। आज की बहुत ठीक ठाक गई, बस यही है कि जल्दी से बीमारी खत्म हो जाए। और क्या तेरे को बैठी पोज मार रही है इस तो जा रहे हैं। हाँ है पप्पा है। हाँ तो भेज देना, जा रहे हैं। चलो बाय करो, बाय। चलो मिलते हैं घर पे गाइस। मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा आज का ईद का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा मेरा ईद का व्लॉग। देखिए कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया, मतलब ईद इतनी अच्छी नहीं गई, बट ठीक है जैसा भी है। इंशाल्लाह अगले साल की अच्छी गुजरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू।